द कश्मीर फाइल्स फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई है। जब से यह मूवी समाज का आईना बनकर लोगों के सामने आई है, तभी से सोशल मीडिया पर मूवी को लेकर तमाम ट्वीट किए जा रहे हैं। यही वजह है कि यह फिल्म लगातार सुर्खियों में बनी हुई है, कभी अपने स्टार कास्ट को लेकर तो कभी अपनी स्टोरी को लेकर। लिहाजा कश्मीरी पंडितों की पलायन पर बनी यह फिल्म जहां एक तरफ सफलता की ओर आगे बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के खिलाफ धरना फैलाने वाली फिल्म भी बताई जा रही है। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को एक तरफ जहाँ लोग उनकी सराहना करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग बुरा भला भी कहते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर अब इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। यही वजह है कि भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा मुहैया कराई है। विवेक अग्निहोत्री को यह सुरक्षा पूरे भारत में सीआरपीएफ के जवान देंगे। लेकिन इस बीच सवाल उठता है कि क्यों दी गई विवेक अग्निहोत्री को वाई कैटेगरी की सुरक्षा, और आखिर ऐसा क्या हुआ जो वाई कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत पड़ गई। आपको बता दें कि विवेक अग्निहोत्री को इस फिल्म के लिए उन्हें जान से मारने तक की धमकियां मिल रही है। इस वजह से ही केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। वहीं इससे पहले आपको बता दें कि एक्ट्रेस कंगना रनौत को भी केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी है। और आपके लिए यह जानना बेहद ही जरूरी है कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा हर किसी व्यक्ति को नहीं दी जाती है। तो अब आपको यह भी बता दें कि वाई कैटेगरी की सुरक्षा किसे मिलती है और वाई कैटेगरी की सुरक्षा क्या होती है। दरअसल इसमें 6 सुरक्षाकर्मी शामिल होते हैं, जिसमें 2 PSO और इस श्रेणी में कोई कमांडो तैनात नहीं रहता है। आपको बता दें कि देश के सम्मानित लोगों और पॉलिटिशियंस को जब जान का खतरा होता है तो यह सुरक्षा दी जाती है। यह सुरक्षा मंत्रियों को देने वाली सुरक्षा से थोड़ी अलग होती है। पहले सरकार को इसके लिए एप्लीकेशन देना होता है, और जिसके बाद सरकार खुफिया एजेंसियों की मदद से होने वाले खतरे का अंदाजा लगाती है, और जब यह बिल्कुल कन्फर्म हो जाता है तो उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो आपने जेड प्लस सुरक्षा और SPG का भी नाम खूब सुना होगा। दरअसल जेड प्लस जो कि SPG सुरक्षा के बाद दूसरे स्तर की सुरक्षा है, या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री या फिर कुछ मंत्रियों को इस कैटेगरी की सुरक्षा व्यवस्था दी जाती है। ये तो बात रही सुरक्षा के बारे में। वही आपको बताते चले कि द कश्मीर फाइल्स 10 दिनों में ही 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, और आगे भी और अच्छा बिजनेस करती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके से लोग एक दूसरे को इस मूवी को देखने के लिए नसीहत दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यह मूवी इतिहास रच सकती है। फिलहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, और इस फिल्म से जुड़ी तमाम अपडेट और तमाम जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।